अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस बार मैं वापस से आया हूँ साइबर गेम्स पर, जवाद भाई की शॉप पर। और जैसे कि आपने ओवरव्यू में देख चुके हैं कि कितना बेहतरीन माशाल्लाह अच्छा स्टॉक अवेलेबल है, PS4 का भी और कंट्रोलर्स वगैरह का भी और PS5 का भी। तो अभी फ़िलहाल जैसे कि हम जवाद भाई से क्या पूछते हैं कि क्या क्या ये डील्स वगैरह क्या लेकर आए हैं न्यू ईयर से रिलेटेड, तो जवाद भाई से अभी हम फ़िलहाल उसी बारे में पूछते हैं। तो जवाद भाई, सबसे पहले अपनी शॉप का एड्रेस वगैरह बता दें। सर जैद भाई, ये हमारी शॉप के एड्रेस है गुलशन शमीम, शमीम स्काईलाइन बिल्डिंग का नाम है, फ्रंट की शॉप है साइबर गेम्स के नाम से। मुक्का चौक से आप सीधा आते हैं, उल्टे हाथ पे शेल का बम पड़ता है, उसी के बराबर वाली बिल्डिंग है, फ्रंट की शॉप है, आपको दिख जाएगी। सही है। और नंबर भी बता दें अपना। 03408686829, 0332360807। ये दो नंबर हैं शॉप के, आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। और अब हम आते हैं दूसरी जो होम डिलीवरी सर्विस वगैरह, ये मैं खुद ही आपको बता देता हूँ कि होम डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान है। कराची में कैश ऑन डिलीवरी है, आउट ऑफ कराची अपना क्या कहते हैं कि एडवांस पेमेंट है। कोई भी चीज़ आप मंगवाते हो, कंसोल्स, कंट्रोलर्स, गेम्स वगैरह, सबकी एडवांस पेमेंट है सबकी, आउट ऑफ कराची। और वहीं अगर हम जाते हैं वारंटी की तरफ, तो वारंटी 2 वीक्स की है, पर इसमें यह है कि अगर आपका कंसोल अगर कोई भी मसला वगैरह कर रहा हो तभी उसकी मनी बैक या फिर अपना एक्सचेंज पॉलिसी है। पर ऐसा नहीं है कि अगर पसंद ना पसंद का सीन नहीं है कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो भाई आप क्या कहते हैं कि एक्सचेंज कर दो या पैसे वापस लो, ये सीन नहीं है कि पसंद नहीं आ रहा तो ये सीन करने लग जाओ आप। तो अपना अब आगे आते हैं हम रिपेयरिंग का। तो रिपेयरिंग की जैसे कि जवाद भाई ने कहा है, अपने शॉर्ट में ही बताया था कि रिपेयरिंग का इन्होंने ये ख़ास तौर पे ये वीडियो रिपेयरिंग से रिलेटेड है, तो आगे हम रिपेयरिंग की हम पूरी इन्फॉर्मेशन जवाद भाई से लेंगे। अब हम आते हैं एक्सचेंज और बाइंग एक्सचेंज पॉलिसी पे। तो अगर आपको अपना कोई भी कंसोल वगैरह सेल आउट करना हो, गेम सेल आउट करना हो या एक्सचेंज कराना हो, कंसोल एक्सचेंज कराना हो, तो वो सर्विस भी अवेलेबल है। ये सर्विस आप कौन से कंसोल से कौन से कंसोल तक है सर? आप PS4, PS5 जो भी आप देना चाहें, Xbox वगैरह, किसी को 1S दे के PS4 लेना है या सीरीज़ एस दे के PS4 लेना है या PS5 दे के सीरीज़ एस लेना है या X लेना है, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, हमें आपको एक्सचेंज करके दे देंगे। बस वही मेरा PS4 अगर ये चीज़ें खुली हुई है या रिपेयर है, सिर्फ वो मशीनें मैं बाई नहीं करता हूँ। सील कंसोल होगा, किसी भी हालत में होगा, मैं आपसे बाई करूँ। तो ये सब हमारी इन्फॉर्मेशन वगैरह वही। अब हम डायरेक्टली पहले रिपेयरिंग का पूछते हैं जवाद भाई से। जवाद भाई, सबसे पहले रिपेयरिंग की जो आप बताना चाह रहे हैं बता दें क्या सीन भाई। सबसे जो मेन आता है ना मसला, लोगों को जो कंसर्न होता है वो रिपेयरिंग का ही होता है। जी जी। कि यार ये प्रोडक्ट तो ले लेते हैं कि अगर इसमें अल्लाह ना करे मसला आ जाए तो ये बन तो जाएगा ना, क्योंकि इम्पोर्ट आइटम है और यहाँ पे कोई ऑफिशियल ऐसे स्टोर भी नहीं है जो मतलब अच्छा काम करके देते हो। तो उसी के बनिस्बत मैं जो है रिपेयरिंग सर्विस पर मैंने इस बार फोकस किया है कि आपका कोई भी इशू है आप मुझे व्हाट्सएप करें, वो इशू मुझे आप बताएं, मैं वो इशू देख के आपको उसकी कॉस्टिंग बताऊंगा कि अगर आपका आने का मसला है, आप शॉप नहीं आ सकते, तो मैं अपना राइडर भेज दूंगा, वो सेम डे आपके पास उठाएगा, आपके पास से चीज़ उठाएगा और वो सेम डे अगर चीज़ हल होने वाली होगी तो सेम डे वो आपको रात के बेशक 12 क्यों ना बज जाए, वो आपको चीज़ मैं आपके हल करके आपके डोर स्टेप पे दूंगा। अगर कोई लंबा मसला आता है तो मैं आपसे उस चीज़ का टाइम लूँगा, अगर आप मुझे टाइम दोगे तो मैं आपसे उसकी आपकी रिपेयरिंग करके दे दूंगा, अगर नहीं दोगे तो वो मैं आपको एज इट इज़ आपकी चीज़ आपके वापस रिटर्न कर दूंगा। ज़्यादातर जो लोगों का इशू आता है ट्रस्ट का कि यार ये चीज़ चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, वारंटी क्या होगी, तो मैं आपको ये सबको ये बता दूं, मेरी जो रिपेयरिंग की वारंटी है बेशक वो कंट्रोलर हो या PS4 हो या बोर्ड बनाए आप मुझसे रोम बनाए, मैं इसकी आपको एक हफ्ते की वारंटी। अच्छा, इसकी एक हफ्ते की वारंटी रिपेयरिंग की, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो, क्योंकि कुछ होता है यार बना के दिया था, चेक करा के दिया, अब आपने घर पे कैसे यूज़ किया, वो जाहिर सी बात है एक चीज़ मैं आपसे ले रहा हूँ, आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरा हक बनता है आपको वारंटी देना, आपको एतमाद देना। तो कोई सी भी चीज़ आप मेरे से रिपेयर कराएंगे वो मैं आपको उसकी एक हफ्ते की वारंटी। ये रिपेयरिंग की PS3 Xbox 360 अवेलेबल है सबकी? PS3 गेम डलवाना हो PS3 में, Xbox में गेम डलवाना, एक्सबॉक्स का ब्लू लाइट का रेड लाइट का इशू होता है वो बनवाना हो, सब नॉमिनल प्राइसेस में मेरे पास रिपेयर। ये आप थोड़े बहुत प्राइसेस जैसे मेन चीजों के बता सकते हैं? मेन चीजों में जैसे रेड लाइट इशू जो है आपका तकरीबन 2,000 से 2,500 रुपए मैक्स हुआ, 3,000 रुपए में बनता है। वही PS4 में ब्लू लाइट, PS4 का जो ब्लू लाइट का इशू होता है वो 50-50 चांस के ऊपर होता है, वो बनने को बन भी जाता है, उसके अंदर थोड़ी कॉस्टिंग आपकी 8,000 से 10,000। अच्छा। तक की मैक्स जो है 12,000 रुपये भी चली जाती है। कंट्रोलर का बताएं, कंट्रोलर में तो नॉर्मल बटन के इशू हों वो 800 से 1,000 रुपये में सही हो जाता है, और कंट्रोलर के एनालॉग के मसले हों वो 1,000-1,200 रुपये में जो है वो रिपेयर हो जाते हैं। PS4 की थर्मल पेस्टिंग क्या कहती है? थर्मल पेस्टिंग सर वो मैं आपको हाथों हाथ करके दूंगा, वो मेरी सर्विस आप एक समझ लें, मैं अपनी कंसोल के साथ भी सर्विस की मशीन जो है वो 1 मंथ की फ्री देता हूँ, तो ये सर्विस की भी मेरी बहुत नॉमिनल प्राइस है, मैं 2,000 रुपये में आपको सर्विस 2,000 में थर्मल
थर्मल पेस्टिंग में वो प्रो, ये कौन सी अच्छी वाली या अच्छी वाली थर्मल पेस्ट होता है मेरे पास, ये अपना बाहर से आता है, कोई पैकिंग में नहीं होता है, सही? ये अपना मेरा समझे आप जो असल मशीनों में लगा हुआ होता है, जो कंपनी से लग के आता है, ये वो थर्मल पेस्ट मेरे पास होता है। इंशाल्लाह ताला 6 महीने 1 साल आपकी सर्विस, ये हाथों हाथ ये काम हो जाएगा, हाथों हाथ हो जाएगा इसकी 2000 रुपए की मेरी सर्विस की। अच्छा, अभी जैसे कि अपना एक्सपो 1 के अभी ये लास्ट जो अपडेट वगैरह आई थी, इसमें कोई इश्यू आया था जी, करप्ट हो रही थी हार्ड ड्राइव वगैरह, ये भी हो रहा था कि अपडेट करने के बिना गेम ही नहीं चलेगा, जी जी अपडेट करिए, पूरा गेम अपडेट नहीं होगा तो ये गेम नहीं चलेगा। इंशाल्लाह ताला इसका भी हल है, लेकिन ये एक्सबॉक्स 1 का जो है ना ये मसला बहुत मुश्किल, ये हार्ड ड्राइव जो करप्ट हुई है ये कितने का? बहुत मुश्किल से हार्ड ड्राइव तो चेंज हो जाती है, वो कितने तक में? हार्ड ड्राइव अगर आप 500 GB लेंगे वो तकरीबन आपको 4-4.5 तक की मिल जाती है, 1 TB जो सॉफ्टवेयर डालना वगैरह वो तो मैं आपको एज इट इज कर दूंगा, वो तो मेरे को उसके मैं आपसे क्या चार्जेस लूंगा, जब आप मेरे से हार्ड ड्राइव डलवा लें, वैसे 1000 रुपये चार्जेस होते हैं सॉफ्टवेयर डालने के, लेकिन मैं अगर आप मेरे से हार्ड ड्राइव खरीद रहे हैं और मैं आपको डाल के दे रहा हूँ तो वो मैं सॉफ्टवेयर आपको डाल के ही दूँगा, सही है। और ये PS एक्सबॉक्स के कंट्रोलर ख़राब कोई हो जाता है तो बटन? एक्सबॉक्स के कंट्रोलर नहीं बनते, एक्सबॉक्स 1 का या 1S का या फिर सीरीज एस का वो बन जाता है, उसके अंदर इशू आए। बहुत लोग आते हैं जो एक्सबॉक्स 360 के कंट्रोलर रिपेयर कराने के लिए, तो वो एक्सबॉक्स 360 के कंट्रोलर जो है वो रिपेयरिंग होते नहीं है, क्योंकि वो लाइफ नहीं देते, मैं करा के दे दूँगा लेकिन वो चलेंगे नहीं तो फ़ायदा नहीं। अच्छा, ये अब जैसे PS5 वगैरह ये भी PS5 की भी तो इनकी रिपेयरिंग वगैरह आ गई है, PS5 एक्सबॉक्स की सप्लाई उड़ गई थी, सप्लाई डाल के दिए, वो कितने की तक? इनके तकरीबन खर्चे ज़्यादा होते हैं, हाँ, 20 से 25 हज़ार रुपये की, 20 से 25 हज़ार की सप्लाई से भी ये बना के दिए, चेंज करके नहीं दिए, सिर्फ ये बनी है, तो इसमें ये लंबा खर्चा होता है। और वही अपना एक्सबॉक्स पे जाए तो एक्सबॉक्स पे अभी इतना मेरे को अभी उस पर हाथ आया नहीं है, आया नहीं है, अगर आया होता तो मैं आपको ज़रूर बताता, रिपेयरिंग पे ऐसा चाहिए नहीं, सर्विस के लिए आया, सर्विस हुई है PS5 की, आप सर्विस कराएं या उसकी सर्विस कराएं वो उसकी 5000 चार्जेस होती है। और वही PS5 का जो कंट्रोलर है उसका क्या सीन है? उसका तो ज़्यादातर जो अभी उसमें मसला आता है वो एक एनालॉग का ही आता है, और R2 बटन का आ रहा है, हाँ वो आपका जो है 2000 तक में 1500 तक में सही हो जाएगा, इतने तक में सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ों की जैसे रिपेयरिंग से जो जो रिलेटेड थी जितनी हो सकी वो मैंने पूछ ली है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है हमने। तो अभी फ़िलहाल कंसोल के हम प्राइसेस पर चले, तो जैसे कि यहाँ पर आप PS5 की तरफ आएँ तो PS5 का यहाँ पे अच्छा स्टॉक मौजूद है, और जैसे कि डिजिटल कंसोल अब कम ही देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक वाला एडिशन मौजूद है, तो इसकी प्राइस बताएं क्या चल रही है? जैद भाई इसकी प्राइस जो है वो मैं 175 कोट कर रहा हूँ, और इसमें जो होगा थोड़ा बहुत डिस्काउंट वो मैं कर दूँगा। अच्छा, इसमें भी डिस्काउंट कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 170 जहाँ पर पहले 4000-5000 मैक्सिमम फ़र्क होता था डिजिटल और ये अपना डिस्क वाले में, वहीं पर अब देखा जाए तो अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसकी वैसे 180 तक की है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी अपनी इंपोर्ट है, तो इसलिए मैं 175 कोट कर रहा हूँ, सही है। और अगर कोई बंदा डिस्काउंट मांगेगा आपकी वीडियो के रेफरेंस से तो मैं 173 में दे दूँगा। अच्छा, और भी यानी डिस्काउंट आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अब डिस्क वाले की तरफ इसकी बात है जैद भाई, ये जो है ऑलमोस्ट जो है दोनों पीस वैसे भी बिक गए हैं, लेकिन मेरे पास और आ रहे हैं, लेकिन ये मैं जो मैं रेट कोट कर रहा हूँ बहुत अच्छा कोट कर रहा हूँ, ये 195 का पड़ेगा फाइनल, 195 का फाइनल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी रैग्नारोक वाला है, ये भी रैग्नारोक वाला है, 190 यहाँ पे 22000 का फर्क, क्योंकि आप बोल रहे हो 73 का आप दे दोगे डिस्क ये विदाउट ये डिजिटल वाला, तो 22000 का यहाँ पे फर्क आ चुका है। यहाँ पे पहले जी जी अब कंट्रोल्स की तरफ आए जैद भाई, PS5 के कंट्रोलर कलर वाले जो हैं पहले 16000 रुपये का रेट था, लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी मैंने कमी कर दी है, सिर्फ ये एंड ईयर सेल और हैप्पी न्यू ईयर सेल की वजह से, तो ये पड़ेगा 15.5 का, 15.5 का, वाइट वाला पड़ेगा 14800, वाइट वाला 14800 का 15.5 का, और कैमोफ्लाज वाला भी आपके पास कैमोफ्लाज वाला जो पड़ेगा ये पड़ेगा 16000 रुपये का, ये 16000 का ये पड़ेगा। और एक्सबॉक्स पे आ जाते हैं तो एक्सबॉक्स के जो नॉर्मल ब्लैक और वाइट है ये मैं कर दूंगा 13.5 के, 13.5 के, जो कि मेरा नहीं ख्याल कोई भी रेट कोट करेगा, हाँ, नहीं करेगा, मेरे पास ये सिर्फ 15000 की दे रहे थे, 4 पीस बचे हैं। और जहां आप कलर वाले पे आ जाते हैं तो ये कलर वाला मैं 14000 रुपये 14000 का ये, क्योंकि पहले रेट 15 का और 14.5 का रेट, तो 15-16000 के यहाँ पे रेट है, वहाँ पे कमी इन्हों की न्यू ईयर और हैप्पी न्यू ईयर की सेल, सही है। तो सीरीज एस और एक्स के जहाँ की बात हो वो मैं सिर्फ ऑन ऑर्डर उठाता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास उसकी इम्पोर्ट इतनी है नहीं, तो वो मैं मंगवाता नहीं हूँ, तो वो मैं लोकली अगर किसी को चाहिए होता है तो मैं देता हूँ। तो सीरीज एस की जो रेट अभी चल रहा है मार्केट 173 थी, 174 तक चल रही है, 74 और 73 तक की मार्केट, 74-73 और सीरीज एक्स जो है वो 155000 अच्छा, तो अब हम आते हैं PS4 Pro की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे नहीं लगता आज तक मैंने अपनी किसी वीडियो में
इतनी ज़्यादा क्वांटिटी PS4 Pro की कवर की होगी, आप देख सकते हो। ये सिर्फ डब्बे, खाली डब्बे नहीं है, और इसमें भरा हुआ भी है, और ऊपर आप देख सकते हो कि खुले हुए पीस भी मौजूद है। तो इनका आप बताएं क्या सीन है। पहले वीडियो में तो इससे भी ज़्यादा थे, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी प्रो की क्वांटिटी वो ऊपर लगाए हुए थे ना। तो ये अभी मेरे पास ये चंद पीस बचे हैं, जिसकी मैं प्रो की प्राइस कोट कर रहा हूँ 68,000 जी। ये डब्बे वाला वो 68 का मिल जाएगा, वही मॉडल के हिसाब से, और जो अपर वाला मॉडल है वो 70 तक का मिल जाएगा। 72165 मॉडल जो है वो 70 का पड़ेगा, उससे नीचे वाला मॉडल 68 तक का पड़ेगा। और वहीं अपना ये जेल ब्रेक पर जाएं, अगर आप जेल ब्रेक पे जाते हैं तो जेल ब्रेक का जो है मेरा रेट थोड़ा सा जो है मार्केट से अभी जो है हाई है, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जो जेल ब्रेक की मशीनें होती हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसी होती हैं ब्रांड न्यू कंडीशन। अच्छा। क्योंकि वो एक तो पुराने वर्जन पे होती हैं, कोई 6 पॉइंट वर्जन निकलता है, कोई 7 पॉइंट वर्जन निकलता है, तो ये ज़्यादातर साफ़ सुथरी कंट्रोलर भी ऐसे होते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे, तो ये मैं 85 की देता हूँ। तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे इनके पास कितनी कंचा कंडीशन में PS4 Pro मौजूद होते हैं, वो सब तो माशाल्लाह बिक चुके हैं, और ये भी मौजूद है। सब ये बचे हैं, और इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपको पूरी दुकान का नया स्टॉक नज़र आएगा इंशाल्लाह। और ये विदाउट बॉक्स कितने के दे रहे हो? विदाउट बॉक्स जो है वो आपको 67 तक के पड़ेंगे। 67 से हज़ार रुपये का फर्क। ये जो बॉक्स मैंने लगाए हैं ये लोकल ही लगाए हुए हैं, ये जो मैं 68 में दे रहा हूँ, क्योंकि वो कैरी करने का काफ़ी कस्टमर को मसला हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई हमें बॉक्स मंगवा के दे दो, तो मैंने बोला ठीक है यार, अब कस्टमर की डिमांड आ रही है तो फिर मैंने ये बॉक्स मंगवाया। तो ये 68 का बॉक्स के साथ आप बोलेंगे बॉक्स निकाल के दे दो तो हज़ार रुपये का। अच्छा, वही फिर अगर सीरियल मैच बॉक्स की तरफ जाए वो तो फिर वो 70 का रेट, वो 70 का रेट, वो 70 का रेट, ये वाला जैसे सीरियल मैच बॉक्स है तो ये 70 का सही है। अच्छा, आप जैसे कि PS4 स्लिम की तरफ हम आ जाएँ, तो जैसे आप देख सकते हो माशाल्लाह अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है, पर उससे पहले PS4 फैट की हम प्राइस पूछते हैं, PS4 फैट का भी आप बताएं सर। फैट की प्राइस जैसे पे अराउंड 40 से 45 तक की रेंज में सील पीस, लेकिन अभी मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है फैट। सही है। जो है सील एक ही पीस पड़ा हुआ है जेल ब्रेक में, क्योंकि 1100 वाला मॉडल है ये सील पीस, ये आप देख सकते हो, ये सील है इसकी, ये दो सील इसकी ऐसी होती हैं और ये दो ब्लैक होती हैं। ये पिछली लास्ट वीडियो में सारा दिखाया था कि सील कैसे पता लगा सकते हो। ये सील्ड पीस है, ये जेल ब्रेक वाला है, ये मैं 50,000 कोट कर रहा हूँ। 50,000 इसके आप कोट कर रहे हो जेल ब्रेक है ये। सही है। तो ये एक ही पीस है जिसको लेना है आप इनसे ले सकते हैं 50,000 का। यहाँ पे स्लिम की तरफ आए तो पहले नॉन जेल ब्रेक का 500 GB का बताएं। 500 GB जैद भाई 48 से लेकर 52 तक की रेंज में, 48 वाला थोड़ा जो है यूज़ हुआ हुआ कंडीशन वाइज थोड़ा हल्का होता है, लेकिन 50 से 52 तक की रेंज में मेरे पास अच्छी कंडीशन जो है वो अच्छी कंडीशन में, और कंप्लीट सामान बॉक्स वाले पीस है। सही है। वो वही 1TB पे, और अगर 1TB में आप जाते हैं वही विदाउट बॉक्स वाला जो है वो 52-53 तक का, और विद बॉक्स वाला 54 से 55 तक का। लेकिन ये वो होते हैं जो बिल्कुल आप समझ लो ब्रांड न्यू ले लो या यूज़ में ले लो, उस तरीके से होते हैं। इसी में अगर आप एक और मेरे पास चीज़ आई हुई है जो कि स्लिम ब्रांड न्यू है, लेकिन उसका डब्बा नहीं है क्योंकि कस्टम की वजह से उसका डब्बा नहीं आ पाता, वो मेरे पास ये मशीन रखी है। ये मेरे पास 3 मशीनें आई थी, ठीक है ना, ये 3 मशीनें मेरे पास आई थी, ये पैक हैं, ये ब्रांड न्यू है, इनके वर्जन भी जो है तकरीबन 7 पॉइंट में, ये जेल ब्रेक वाले हैं। इनके जो मैं प्राइस कोट कर रहा हूँ वो 80,000 कर रहा हूँ। ये है ब्रांड न्यू, इसका जो ये सामान है मैं आपको इसका सामान भी दिखाता हूँ। ये नॉन जेल ब्रेक है, ये जेल ब्रेक है। अच्छा, तो जेल इसका जो ये सामान है, ये कंट्रोलर वगैरह इसका, ये पैक है, इसकी केबल्स ये पैक हैं, ठीक है, ये इसकी पावर केबल और ये इसकी चार्जिंग केबल, पावर केबल, इसका सारा सामान जो है पैक है, और ये ब्रांड न्यू है, सिर्फ इसका डब्बा नहीं आया हुआ। वैसे डब्बे वाला मार्केट में आपको पता है 1,10,000-1,15,000 रुपये का, सिर्फ ये इसका डब्बा नहीं आया हुआ, बाकी ये है मशीन ब्रांड न्यू और जेल ब्रेक वाली। और तीन आई थी अभी, एक बची, ये 80,000 में। बुकलेट वगैरह कुछ नहीं? बुकलेट नहीं है, सिर्फ सामान सारा इसका ब्रांड न्यू है, सिर्फ इसका बॉक्स नहीं है, बॉक्स नहीं है, बैटरी नहीं जी। और ये आप 80,000 का दे रहे हो जेल ब्रेक? 500 GB जी, ये 500 GB। अच्छा, वही अगर अब हम जाएँ अपना जेल ब्रेक नॉर्मल पे, जेल ब्रेक नॉर्मल आपको जैद भाई पड़ जाएगा 63 से 65 तक की रेंज में, 63 से 65 तक 500 GB। इसी में आप 1TB चले जाएँ तो 3 से 4,000 रुपये का फर्क आ जाता है, इसी को आप बोलेंगे तो कर देंगे, दूसरी मशीन बोलेंगे वो भी मिल जाएगी। सही। अच्छा, आप कंट्रोलर्स की तरफ आते हैं, यूज़ कंट्रोलर्स की तरफ, तो जैसे कि माशाल्लाह अच्छा खासा स्टॉक इसका भी अवेलेबल है, PS4 के, PS5 के कंट्रोलर भी अवेलेबल है, इनका आप सीन बताएं क्या है? सर जैद भाई, ये PS5 की कंट्रोलर पिछली वीडियो में मैं 9,000 के कोट कर रहा था, लेकिन एंड ईयर और हैप्पी न्यू ईयर सेल की वजह से ये मैं अब 8,500 रुपये का दे रहा हूँ। इसी में कंडीशन दिखाना चाहता हूँ, ये आप दिखा दें कंडीशन, बिल्कुल जो है ये इसकी साफ़ सुथरी है, और ये मेरे पास अभी एक यूनिट नहीं है, ज़्यादा यूनिट पड़े हुए हैं मेरे पास, तकरीबन ये 4 पीस
4-3 है जो आपको मिल जाएंगे, और ये मैं 8,500 रुपये एक वोट करता हूँ, 8,500 रुपये। जहाँ बात आती है PS4 कंट्रोलर यूज़ की, इसकी भी मैं आपको दिखा दूँ। ये मैं पहले जो रेट चला रहा था अराउंड 7,500 रुपये, 8,000 रुपये का रेट चला रहा था, अब मैं इसके कोड कर रहा हूँ 7,000, और इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं, बड़ी बेहतरीन साफ सुथरी कंडीशन में सारे कंट्रोलर हैं। ये ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल है सारे, एक नंबर ये कंट्रोलर है, ओरिजिनल एक नंबर, सारे साफ सुथरी, मतलब आप ब्रांड न्यू ले लो या यूज ले लो, ये एक ही समझे, आप ब्रांड न्यू ले रहे हैं या यूज ले रहे हैं, वो एक ही कंडीशन में। कंडीशन इसकी वाकई ऐसी है, कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू कंट्रोलर है। अच्छा सर भाई, इसके अंदर मेरे पास जो है ये ओरिजिनल में भी है जी, डब्बा पैक में, जो कि मार्केट का रेट अराउंड 11,500 से 12,000 रुपये का चल रहा है, लेकिन ये एंड ईयर सेल में मैं ये 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये का ब्रांड न्यू, 10,000 रुपये का ब्रांड न्यू आप दे रहे हो। आप बेशक आए, खोल के चेक कर लीजिएगा इसको, अगर आपको ये ब्रांड न्यू ना लगे, रीपैक लगे, तो आप छोड़ जाइएगा, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ दोनों। सही है, 10,000 का आपको न्यू ईयर सेल का ये मिल रहा है। ये मैं ब्रांड न्यू में 10,000 रुपए के देता हूँ। ये शॉक ब्लू एक्वो सीरीज का कलर आया हुआ है, मैंने आपको बताया 14,000 रुपए का ब्रांड न्यू दे रहा हूँ, ये अगर किसी को चाहिए ये मेरे से ले ले, मेरे सच यूज का है नहीं है, ये भी आया था मेरे पास, तो ये मैं 8,000 रुपए में दे दूंगा, 8,000 रुपए में आप दे दोगे, यूज दे दूंगा। इसकी भी कंडीशन बिल्कुल साफ बेहतरीन कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है काफी। किसी को अगर पीसी के लिए यूज करने के लिए चाहिए हो तो ये 8,000 रुपए का कोई भी नहीं देगा, 11,000 रुपए का तो सिर्फ यूज में बिकता है, तो मैं आपको 8,000 में बड़े बेहतरीन रेट दे रहे हैं ये, मैं दे दूंगा, वो भी सीरीज कंट्रोलर के जी। तो ये कंट्रोलर्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं आपके पास, कस्टमाइज न्यू कंट्रोलर जो है वो 3500 का रेट, 3500 का रेट है अभी मार्केट का, कॉपी का ब्लैक लें, कोई सा भी कलर लें, 3500। तो सब चीज़ें यहाँ पे कवर हो चुकी हैं, गेम्स की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, आप गेम्स की तरफ आते हैं तो जैसे कि आपको पता है गेम्स की माशाल्लाह अच्छी खासी क्वान्टिटी अवेलेबल है जवाद भाई की शॉप पर, तो मैं किसी गेम की यहाँ पर प्राइस नहीं पूछूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, बस आप डायरेक्टली रेंटल सर्विस का बता दें, अपनी सेल का बता दें क्या सेल है। रेंटल सर्विस जो हमारी है वो पर डे लेटेस्ट गेम जो है वो 100 रुपये मिनिमम, उसके अंदर 5 डेज होते हैं। सही है। और पुराना गेम जो है 50 रुपीज़ पर डे से, जो सीडी की अमाउंट होगी वो आपको डिपॉजिट कराना है। ये न्यू गेम यानी कि डब्बा पैक या वैसी मेरे पास वो ब्रांड न्यू में होगा, आपको ब्रांड न्यू में दे दूंगा, यूज में होगा तो आपको यूज में दे दूंगा। अभी मैंने काफ़ी सीडियां दी हैं, मॉडर्न वारफेयर, गॉड ऑफ वार, ये सारी मैंने रेंट पे दी हैं, जो कि लोग लेके गए हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और ये बहुत नॉमिनल, कोई 10 दिन में ले आता है, कोई 12 दिन में ले आता है, तो 1,000 रुपये में जो गेम 15,000-16,000 का चल रहा है वो आप 1,000 रुपये में खेल रहे हो, इससे और क्या बुरा है, वो भी 10 दिन के लिए मिल रहा है। और वही अगर आपको पूरे महीने का पैकेज बनाना है तो महीने का पैकेज वो 3,000 रुपये, जिसके यहाँ 10,000 रुपये डिपॉजिट है, उसके अंदर आप उससे 3 गेम ले सकते हैं, कोई सा भी गेम ले लें, 1 गेम एट अ टाइम होता है, वो भी आपको पर गेम 1,000-1,000 रुपये का बैठता है। और जहाँ तक स्टूडियो की प्राइसेस की है, मैंने एंड ईयर और हैप्पी न्यू ईयर सेल लगाई हुई है, आप मेरे नंबर शो हो रहा होगा उसी पे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, मेरे स्टेटस पे सारे गेम्स जितने भी मेरे पास गेम्स अवेलेबल हैं सबके मैंने रेट लगाए हुए हैं, जिसके अंदर जो है मैं आपको एक डेमो के तौर पर बता देता हूँ, जिसके अंदर मैं गॉड ऑफ वार जो आपका पुराना वाला था वाला, ये मैं 2,000 रुपये का कोट कर रहा हूँ, ये 2,000 रुपये का उसके अंदर आपको मिल जाएगा। बैटलफील्ड 1 आपको 1,200 रुपये का मिल जाएगा, सिंडिकेट आपको 1,500 रुपये का मिल जाएगा, ओरिजिनल क्रिकेट 19 जो इस वक्त पूरी मार्केट में शॉर्ट है ये 4.5 कोई 5 का बेच रहा है, ये मैं 4,000 रुपये में आपको मिल जाएगा मेरे पास। सिर्फ ये जो है ये अपनी जो 2 दिन रह गए हैं ये सेल सिर्फ तब हैप्पी न्यू ईयर तक की है, 1 तारीख तक ये सेल मैंने निकाली है। आप मेरे को नंबर पे व्हाट्सएप करें या मैं आप मुझे बोलेंगे तो मैं पूरी आपको सेल जो 2 तारीख कर लो, मंडे हो जाएगा ना संडे, चलिए मैं आपके कहने पे मंडे तक कर देता हूँ, 2 तारीख तक कर देता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको पूरी प्राइजेस की लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा, उसके अंदर से आप देख सकते हैं जो आपको प्राइस नॉमिनल लगे और अच्छे लगे और आपको जिस सीडी की रिक्वायरमेंट हो वो आपको मिल जाएगी। सही, और आप देख सकते हो क्रिकेट 22 भी इनके पास 3 पीस यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा भी मैं ये इसका ब्रांड न्यू का भी रेट अराउंड जो है वो 8,000 तक का रेट है, ये आपको 7.5 में मिल जाएगी। सही, सेल में बहुत सारे मैंने प्राइजेस समझे, अपना मार्जिन 100-200 रुपए पर सीडी में रखा है सिर्फ इस सेल के लिए कि कस्टमर, क्योंकि मेरी नई शॉप है तो अभी इतनी वेल नोन है नहीं, तो बस वो कस्टमर को वेल नोन करने के लिए मैं ये सेल्स निकाल रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला अब मेरी कोशिश होगी कि मैं हर महीने के एंड ईयर सेल निकालता रहूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रेट्स पे बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत मुनासिब पैसों में आपको चीज़ें मिलेंगी। तो अभी के लिए जैसे कि मैं बता दूं कि बड़ी बेहतरीन जैसे यहाँ पे सेल्स और ये रेंटल सर्विस बड़ी बेहतरीन इन्होंने निकाली हुई है, और PS4 स्लिम की प्राइसेस काफ़ी नॉमिनल हैं, जो नॉर्मल प्राइस से थोड़ी नीचे ही कहेंगे और अच्छी प्राइसेस हैं काफ़ी। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप टाइम टू टाइम मिलती रहे। किसी भी चीज़ की प्राइस पूछनी हो, सेल से रिलेटेड, अपनी रेंटल सर्विस से रिलेटेड, कंसोल्स की प्राइस, लेटेस्ट क्या चल रही है, कंट्रोल्स वगैरह की, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साइबर गेम्स के नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, आप डायरेक्टली जवाब भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर वगैरह आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर, एड्रेस, गूगल मैप लोकेशन, फेसबुक पेज सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेरे सोशल मीडिया लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ पर फॉलो कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।